नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी अपडेट टाइम पर। इस वक्त दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों यहां पर निकल के आ चुकी है। जितने भी यहां पर बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूर नौजवान छात्र यानी कि अपने गृह राज्य अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन दोस्तों रेलवे मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बारे में निर्देश दे दिया है रेलवे मंत्रालय को दोस्तों, और यहाँ पर विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। और दोस्तों हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप किस राज्य के अंदर फंसे हुए, कहाँ तक जाना चाहते हैं और आपको कौन सी ट्रेन का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं, लाल कलर का बटन देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर लें, बराबर एक बेल आइकन घंटी भी आएगी उसको भी आप दबा के और कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को एक लाइक कर दें, एरो के निशान सभी मित्रों के पास शेयर कर दें जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहते हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से बड़ा ही यहाँ पर फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर आदेश दिया है कि रेलवे मंत्रालय खुद ही यहाँ पर स्वयं स्पेशल ट्रेन चलाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन पर रेलवे ने बदला रोक, कहा राज्यों की अनुमति की जरूरत यहाँ पर अब नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जितने भी राज्य हैं वो यहाँ पर स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मना कर रहे थे, कुछ राज्य यहाँ पर स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए हाँ कर रहे, तो इस पर रेलवे ने यहाँ पर कहा है कि अब हमें कोई भी किसी भी राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। रेलवे अब खुद ही स्पेशल ट्रेन चला करके सभी राज्यों के अंदर, किसी भी राज्य हो, जिला हो, शहर हो, उस राज्य से सभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन दोस्तों विभिन्न राज्यों के अंदर किया जाएगा। चाहे आप यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर, कर्नाटक, उड़ीसा, किसी भी राज्य के हों, वहाँ से स्पेशल ट्रेनों का संचालन दोस्तों रेलवे खुद करेगा। और रेलवे ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि वहाँ पर मजदूर फंसे हुए वहाँ के नोडल अधिकारी, जिला अधिकारी वो तय करेंगे कि कितने मजदूर हैं और कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं। पूरा शेड्यूल बना करके रेलवे मंत्रालय को सौंपना होगा, वहाँ से रेलवे खुद ही स्पेशल ट्रेनों को भेजेगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ही ऐलान किया गया है, जो आप सभी के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। अब किसी भी राज्य की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अनुमति दें कि हम ट्रेनों का संचालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जितने जो प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य के लिए बहुत जल्दी ही रवाना होंगे और अपने परिवार के पास वो जाए, क्योंकि दोस्तों ये लॉकडाउन के चलते इस महामारी का अभी प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है, इस महामारी को भी समाप्त करना है, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं किस राज्य के अंदर फंसे हुए, कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे पहले जो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था वो दोनों राज्यों की आपसी सहमति के बाद ही यहाँ पर ट्रेनों का संचालन रेलवे मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा था। अब दोस्तों रेलवे ने अपना रुख बदल लिया है और इसने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रेनों को चला करके सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि दोस्तों वो उससे पहले रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन ज़्यादा से नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जिससे कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट न पाए। वीडियो को सभी मित्रों के पास